मध्य प्रदेश में करारी शिकस्त खाने के अगले दिन ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निवास पर पहुंचे। इसे वैसे शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। कांग्रेस के भीतर और बाहर अब ये चर्चा आम है कि पुत्र मोह के चलते पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस का बुरा हाल कर दिया है और इसी वजह से कांग्रेस की ये गत बनी है। आज भी जब कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे तो उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ भी उनके साथ थे। जब शिवराज सिंह का नकुलनाथ पर ध्यान नहीं गया तो कमलनाथ को कहना पड़ा, नकुल को भी साथ ले आया हूँ। मैं नकुल को भी साथ ले आया हूँ। वैसे ये दो नेताओं के बीच की सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इसके पीछे की वजह नकुलनाथ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलवाना ही था। कमलनाथ को लगा कि अब अगले 3 साल एमपी में बीजेपी का शासन चलेगा, तो उन्होंने अपने सांसद पुत्र को भविष्य की दृष्टि से मुख्यमंत्री से मिलवाया। हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष से कोई अड़चन नहीं आमीक्षा करेंगे, आज मैंने मीटिंग बुलाई है, हम समीक्षा करेंगे, इनकी समीक्षा होगी, अभी सब पर टिप्पणी करना मैं सोच। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।